So today we'll be doing one important area that is known as tax invoice. Tax invoice. Now, tax invoice, जीएसटी का बिल हम लोग देखते हैं तो बिल में लिखा रहना चाहिए टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो बिल में क्या क्या होना चाहिए, एड्रेस, सीरियल नंबर, पूरा डिटेल, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या दिया, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो वी आर इन टैक्स इनवॉइस। Direct question can be brief note on tax invoice or what is tax invoice under GST, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसका डिटेल है, ठीक है। सो अंडर सेक्शन 31, under section 31, so one in general we have discussed, bill mein pura detail hona chahiye. agar registered person hai aur tax party se le raha hai to wo tax invoice issue karega, lekin jo composition mein hai ya जो जीएसटी में है ही नहीं वो लोग टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। वो लोग के लिए बोला जाता है डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई, व्हाट वर्ड वी यूज, बिल ऑफ सप्लाई, क्लियर। माने बिल होता है ना बिल, तो बिल में डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा हो या बिल ऑफ सप्लाई, और ऊपर में टैक्स इनवॉइस नहीं रहेगा, ठीक है। So, under section 31, write down 1. A registered person supplying taxable goods before or at the time of A removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods or B delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case. Issue a tax invoice
description, quantity and value of goods, the tax charged thereon, and such other particulars as may be prescribed the government by notifications specify the categories of goods or supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner, okay. अब हम लोग को इसका इंटरप्रिटेशन करना है. अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, माने आपके आंसर में ये सब रहना चाहिए. सो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन्स, रजिस्टर्ड, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब सामान हम दो दिन बाद भेजेंगे, आज इनवॉइस इशू कर सकते हैं. सामान दो दिन बाद, इनवॉइस इशू आज, ठीक है, लेकिन सामान मूव हो रहा है तब लेट नहीं चलेगा. आप पहले करो या मूव के समय कर दो. फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब सामान यहां से कहीं और जाएगा, और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट. आप किसी को सामान दिए, बोले ये सामान आपका हो गया, आप अभी ले जाओ, कल ले जाओ, परसों ले जाओ, मत ले जाओ, सामान आपका है. आप उसको राइट्स दे दिए ना, तो उसको बोलते हैं मेड अवेलेबल. मेकिंग, समझ में आया केस? कोई बोला हम सामान तो ले नहीं गया, उससे मतलब नहीं है. सामान किसका है? आपको दे दिया गया ना, मेकिंग अवेलेबल. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस. इशू अ टैक्स इनवॉइस, क्या क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टैक्स चार्ज्ड, टैक्स एंड एनी सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. फिर गवर्नमेंट का पावर, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है ना. इशू सच टाइम सच मैनर, गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकता है कि आपको इस तरह से इन्वॉइस करना है. तो गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड आल्सो
फॉर्मेट सब दिया है, कैसे आपको करना है, ठीक है। फॉर्मेट गवर्नमेंट जो फॉर्मेट देता है उसमें बोल देता है ये कंटेंट रहना चाहिए। अब आप उसको क्या करोगे, बिल को थोड़ा सजा के देखने में अच्छा लगे, है ना। बट एक दिया है कि आपके बिल में ये डिटेल रहना चाहिए, तो लोग क्या करते, अपना नाम ऊपर में लिख दिया, GSTIN नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, थोड़ा कलरफुल बना दिया, प्रेजेंट कर लिया, है ना। तो यही सब है, ओके। नाउ सो इसमें क्या था, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, गुड्स का मतलब हो गया सामान। 31(1) में गुड्स के बारे में बोल रहा है। व्हेन वी से नंबर टू, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग taxable services, taxable services, ये पूरा लीगल लैंग्वेज में है। सिर्फ क्या किया गया है, कहीं पे टेक्निकल्स बहुत सा जो है वो पूरा लॉ में अननेसेसरी, मीनिंग सेम है, सेम थिंग रिपीटेशन, उसको अवॉइड किया गया है, ठीक है ना। मैंने ऐसा लैंग्वेज किया गया आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज सेल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इश्यू a tax invoice showing description value tax charged thereon and other particulars as may be prescribed. So may be prescribed, who will prescribe? Government. ये सब कौन करेगा? Government. इसे यहां लिखे ना, government may by notification. तो इसका prescribed का मतलब है government will prescribe. Okay. Below, the government may specify the categories of services in respect of which a any other documents issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice. Tax invoice. Or tax invoice may not be issued. Not be issued. ठीक है। तो सर्विसेज में क्या बोल रहा है,
टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ द सर्विस. आप कुछ सर्विस दोगे पहले बिल इशू कर सकते हो, सर्विस देने के बाद में भी इशू कर सकते हो. सो बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स, इसमें क्वांटिटी नहीं लिख दीजिएगा ठीक है, देयर ऑफ गवर्नमेंट में स्पेसिफाई. नाउ एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होने से मान लिया जाएगा कि यही टैक्स इनवॉइस है, और ऐसा हो सकता है टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है. तो याद कैसे रखना है, 31(1) सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स इनवॉइस, 2 सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्स इनवॉइस ठीक है. नहीं था उसमें, गुड्स मूव होगा तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, सर्विस में ऑप्शन है नॉट बी इश्यूड ठीक है. हम लोग सर्विस देंगे पहले से प्रोविजन करके रख लिए, बहुत जगह क्या होता है कि एडवांस ले लिया पहले ही बिल इशू कर दिया तो लग गया. जैसे है ना आप लोग का मोबाइल चार्ज उज करते हैं तो प्रीपेड में पहले से ही हो जाता है, पोस्टपेड में बाद में होता है, लेकिन उसमें भी फिक्स्ड वाला है तो टाइम होगा लग जाएगा, मंथली होता है ना तो टाइम खत्म हुआ अब तो लगना ही लगना है. आप चाहो तो पहले से ही बिल इशू कर दो कि 15 तारीख को बिल इशू कर दिए, बोल दे लास्ट डेट 31 तारीख है मंथ का लास्ट डे, पॉसिबल टैक्स लग जाएगा. ओके सो अब क्या है कि 1, 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, लेकिन ये दो के अलावा नेक्स्ट थर्ड बोल रहा है 1 और 2 के सब्जेक्ट टू, अगर 1, 2 में कवर्ड है तो कोई बात नहीं ठीक है. सो सो टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 नाउ 3 इसमें ध्यान रखना है हर सेक्शन में कुछ ना कुछ है, और कुछ नहीं रहेगा तो रहेगा क्यों, सेक्शन क्यों रहेगा, मीनिंग ही नहीं रहेगा, कुछ है सबका मीनिंग है. सो सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1 और 2 ए और रजिस्टर्ड पर्सन ये सब क्या होता है, ये सब जो बहुत सा सेक्शन होता है ना उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. कितना लोग बोलता है ना बिल किए टैक्स देना होगा, पार्टी को बिल किए पार्टी पेमेंट नहीं कर रहा है, जब देगा तब हम भी टैक्स देंगे, गवर्नमेंट बोलता है वो सब नहीं चलेगा. माने आप लोग लड़ाई झगड़ा करो मेरा पैसा दे दो, पब्लिक का पैसा मारो कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं मारो के समझ में आया. तो इसलिए माल्या क्या किया, बैंक का पैसा मार दिया पूरा गोल कर दिया ठीक है. गवर्नमेंट का है आप मेरा टैक्स का पैसा दे दो, बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहो क्या समझे. तो ये ऐसे ही चलता है सब चीज, समझ गए. जैसे आप किसी को उधार माल बेचे उस पर GST भी लगा दिए, या कोई सर्विस दिए उस पर GST लगा दिए, आप क्या बोलोगे, एक तो फ्री में सर्विस दिए या माल दिए अभी
पैसा तो मिला नहीं है, मेरा पैसा तो ब्लॉक ही है ना, ऊपर से जीएसटी। जब पार्टी हमको पेमेंट करेगा तो हम जाके दे देंगे। गलत बोला, गवर्नमेंट बोलता है नहीं, टैक्स आप दे दो, बाकी समझते रहो। किस समझे? तो प्रॉब्लम तो होगा ही, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। वो माल ही वापस कर दिया, वो माल वापस कर दिया, बोला माल ही नहीं चाहिए हमको। और आप क्या किए, टैक्स देके बैठे हो। एक तो माल वापस, ऊपर से टैक्स जमा हो चुका है, और सरकार बोलता है जब मन जमा करो, निकालने में सोचना है। समझ गए? उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। जमा में कोई रूल्स नहीं है, नेट में जाओ बस एक क्लिक मारो, माल गायब। निकालने वाला सिस्टम नहीं है, उसके लिए बहुत प्रोसेस है। कैसे समझे? तो फिर क्या होता है, ये सब से बचने के लिए लोग दो नंबर उपाय निकालता है। ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग का लॉ जो है वो जबरदस्ती बोलता है दो नंबर के लिए माथा लगाओ। वो डर डर के काम करेगा ना, कहे सरकार तो अपना रूल बना दिया, और वो क्या करेगा, अब उसको तो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट करेगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। ओके, तो अब क्या होगा, या तो डीलिंग में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पैसा दो माल ले जाओ, उनको नहीं बेचना है, यही है ना। लेकिन ये कौन बोल सकता है, जो लोग बिग डीलर्स होता है ना वो बोल सकता है, जो छोटा मोटा होता है वो लोग के लिए तो प्रॉब्लम है ना। वो क्या टर्म्स कंडीशन, उसको भगा ही देगा, बोलेगा तुमसे बिजनेस ही नहीं करना है हमको, प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसको। तो एनीवे, ये सब इसलिए डायलॉग देते हैं जिससे याद रहेगा आप लोग को, ठीक है ना, नहीं एजुकेशन पर्पज से है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1 एंड 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू और इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इन सच मैनर एज may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him. नाउ इसका मीनिंग क्या है,
सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों अप्लाई करोगे? आप टैक्सेबल पर्सन में आ रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन जब तक कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता है तब तक आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो? नहीं, आपके पास जीएसटी का नंबर भी नहीं है। लेकिन बिजनेस चालू रखोगे ना, बंद कर दोगे? बिजनेस चालू रहेगा तो आप बिजनेस करो, बिल इशू करो, सब करो। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, मान लो आज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला और डेढ़ महीना पहले से टैक्सेबल में आ गए थे, इसका सिस्टम है जिस दिन टैक्सेबल पर्सन में आप आए एक महीना के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करना होगा का मतलब आपको अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देना आपके हाथ में ना, डिपार्टमेंट के हाथ में, तो आपको अप्लाई कर देना है 30 डेज के अंदर। अब मान लो गवर्नमेंट डेढ़ महीना ले लिया, तो 30 दिन इधर हो गया, 45 डेज उधर हो गया, आपको दिया। इस बीच में आप तो बहुत सेल कर चुके हो ना, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 30 दिन के अंदर आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना होगा, रिवाइज, और उसमें पूरा टैक्स शो करना होगा। मैंने जिस दिन मिला पहले का जितना हो चुका है उसका टैक्स का इनवॉइस इशू करो आप। मैंने बात समझ रहे हो? मतलब कोई बोला ना भाई हम तो कर चुके इसका क्या होगा, बोला फिर से रिवाइज इशू करो। तो देखिए रिवाइज इनवॉइस, सो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, मे इशू रिवाइज्ड इनवॉइस ऑलरेडी इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मीनिंग क्लियर है? आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए, जिस दिन रजिस्ट्रेशन आपको मिला, सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसमें नंबर है। अब इस बीच में जितना पहले इशू किए थे सबका रिवाइज इशू करो, मतलब पूरा टैक्स दो, पूरा टैक्स। और रिवाइज इशू करोगे किसको? जिसको सेल किए, वो बैठा हुआ है ना, भाग गया, वो बाद में आपको टैक्स देने आ रहा है। आपका दुकान है, माल लिया, पैसा दिया, चला गया, अब आपको टैक्स देने आ रहा है। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स ले लो उससे, कहाँ पकड़ोगे जाके उसको, पकड़ पाओगे? मेरा बात समझे? बोला सबको फिर से इशू करो और वो लोग से सबसे टैक्स ले लो। कैसे समझे? तो ये सब फिर आप क्या करोगे, जिससे वसूल हो सकता है वही करोगे, अब बाकी सब गोल कर दोगे, यही है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है सब पूरा करो। अब आपके पास तो बिल इशू किया हुआ है पहले से, क्या होगा, आपको अपने पॉकेट से पैसा देना होगा, जीएसटी का पैसा अपने पॉकेट से देना होगा। कैसे समझे? अब गवर्नमेंट उसके लिए, ये तो आउटवर्ड सप्लाईज है ना, सेल वाला बात है, इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। परचेज में पॉकेट से दिया, चलो फिर क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, लेकिन सेल में कैसे होगा? आई थिंक क्लियर। उसके पास बिल नहीं रहेगा, क्लेम कैसे करेगा वो? टैक्स इनवॉइस रहेगा तब ना उसको मिलेगा क्रेडिट, उसको तो मिला नहीं और आपको लग गया, प्रॉब्लम। ठीक है, जब वैट का डेट ही खत्म हो गया, वैट एबोलिश हो गया, सब खत्म हो गया, तो आप वैट चार्ज कर, अब आज आप वैट चार्ज करोगे? बोले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वैट ही लगा देते हैं, सर्विस टैक्स ले लेते हैं, चलेगा? अभी नहीं चलेगा ना, अब वो सब
केस क्लोज्ड है 30 जून 2016 17 के बाद, 30 जून 2017 के बाद ये सब बंद, खाली जीएसटी। अब इंडिया है, सब चलता रहता है। अभी भी जाओगे बाजार में जीएसटी वाला बिल पकड़ा देगा आपको, बोला पड़ा हुआ है, प्रिंटेड है, कहाँ फेंके इसको, अभी इसी में चला रहे हैं। पॉसिबल चल रहा है, कैसे समझे? कितना है जीएसटी कलेक्ट भी कर रहा है, पूछा नंबर, नंबर तो नहीं है। लो भाई नंबर नहीं है, कलेक्शन चालू हो गया। कैसे समझे? आप बोले भाई मेरा नंबर ले लो, बोला लेके हम क्या करेंगे, मेरा बात समझो, मैंने क्या क्या हो रहा है, मैंने क्या करें, उसको मालूम ही नहीं है जीएसटी में होता क्या लेने से, मैंने अगला क्लेम करेगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कैसे समझे? अब आप क्या करोगे, उससे बिजनेस करो या नहीं करो? कैसे समझे? तो धीरे से सेट होगा, टाइम लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है ट्रांजिशनल पीरियड का। क्या पीरियड? ट्रांजिशनल पीरियड। ये प्रॉब्लम होगा 3 महीना 6 महीना, ये प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये पॉइंट समझ में आया, इस पे क्वेश्चन सेट हो सकता है? कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, इस बीच में 12 लाख रुपया का सेल कर चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया। अब उसके पास आ गया है पुराना सेल के लिए, वो क्या करेगा? तो आपको बोलना होगा अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, मैंने 31(3)(a) ये प्रोविजन लिख के उसको बोलना होगा रिवाइज बिल इश्यू करो, टैक्स इनवॉइस, और पार्टी से टैक्स लो और जमा करो। ठीक है, फिर लिखिए बी, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस If the value of the goods or services or both supplied is less than ₹200. Subject to notification. Subject to notification. अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। आप किसी मिठाई दुकान में गए, 110 रुपया का मिठाई खरीदे, बिल दिया, बिल नहीं दिया, काटा चला गया। अब है उसको बिल देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा बिल। आंसर है हाँ, आंसर है बिल देना होगा। सामने वाला बोला हमको नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बोला नहीं बिल दो, तो फिर उसको बिल देना होगा। लेकिन वो भी नहीं बोला, ये भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसका रूल ऐसा है, इसका रूल बिल नहीं मांगा, नहीं दिया, दिया नहीं, लिया नहीं, लेकिन ये बोला हम मांगा लेकिन ये दिया नहीं, तो फिर सेक्शन में फंस जाएगा वो। इसलिए मे नॉट इश्यू, ठीक है, मे नॉट इश्यू। तो ये एक स्कोप है, 200 रुपया उससे कम का रहने से बिल इश्यू नहीं होगा, फिर सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन। क्लियर? बिल इशू करेगा
अगर वो रेगुलर डीलर है तो जीएसटी तो लगेगा ही, आप बिल इशू करो तो भी लगेगा, नहीं इशू करो तो भी लगेगा, जीएसटी तो लगेगा। तब क्या करेगा वो? दिन भर में 500 आदमी ऐसा था जिसका बिल 200 से कम था, तब क्या करेगा वो? सेल नहीं दिखाएगा? सेल दिखाएगा, होल डे का सेल का एक बिल काट देगा। कितना? रात में दुकान बंद करने के पहले दिन भर का जो सेल है एक कंसोलिडेटेड बिल काट देगा, आज इतना का बिका। मीनिंग क्लियर एवरीवन? मेरा बात समझे? लेकिन अगर 200 से ज्यादा वाला जो है तो उसका बिल होना चाहिए, 200 से कम वाला का आप एक बिल काट दो। मीनिंग इज क्लियर? ओके सर, एक बिल में जैसे सर उसका जो जो डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिखना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फिर से 10 तरह का आइटम है, 10 आइटम लिखो कौन सा कितना क्या क्या बिका, एक बिल कार्ड, अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट लगेगा। मैंने ऐसा नहीं है कि आपको माफ कर दिया, खाली बोला ठीक है बार बार नहीं काट के कंसोलिडेटेड काट दो। ठीक है, किसके नाम पर? कैश सेल में कोई नाम नहीं चाहिए, कैश सेल में कोई नाम नहीं चाहिए। लेकिन बोला हमको इनपुट क्रेडिट क्लेम करना है, तो इनपुट क्रेडिट क्लेम करना है तो उसके लिए ये बिल कटेगा ना, नॉर्मल वाला बिल काट के उसको देना होगा, उसको तो बिल काट के देना होगा ना, तो उसमें तो सभी कुछ है। ठीक है, ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर लिखिए, सी अ रजिस्टर्ड डीलर अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 मालूम है कंपोजिशन? अब क्या है ना, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप लिंक करने लगोगे, देखोगे सेक्शन से सेक्शन मैच करने लगा। अंडर सेक्शन 10 सेल इशू इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई। हिंट दिए थे ना आपको, अ बिल ऑफ सप्लाई क्या इशू करेगा? अ बिल ऑफ सप्लाई ओके क्लियर। ठीक है ना, अब ध्यान से ये टैक्स इनवॉइस 200 रुपए से कम, नाउ पर्सन मे नॉट इशू बिल ऑफ सप्लाई इफ वैल्यू लेस देन रुपीज 200। ठीक है, उसके लिए भी है डी, रजिस्टर्ड पर्सन
मे और सेल ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस अमाउंट इशू अ रिसिप्ट वाउचर रिसिप्ट वाउचर ई वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट नो सप्लाई इज मेड Subsequently, the said registered person may issue to the person who has made the payment or refund voucher against the payment. ठीक है, मैंने आप किसी से एडवांस लिए तो आपको एक एडवांस रिसिप्ट वाउचर देना होगा, और किसी कारण से पैसा वापस हो गया तो आपको रिफंड वाउचर, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, रिसिप्ट वाउचर भी आप ही इशू कर रहे हो और रिफंड वाउचर भी आप ही बना रहे हो, सामने वाला का साइन करा लोगे, कैसे समझे? सामने वाला का मैंने एडवांस में भी, एडवांस में तो अपना किए, लेकिन रिफंड वाला में उसका साइन जरूरी है कि हाँ भाई वापस मिल गया। अब बोलने में कितना इजी लग रहा है, एडवांस लिया वापस कर दिया, दो वाउचर बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, आप जैसे ही एडवांस लिए ना, अब जीएसटी जमा करना होगा। आप एडवांस किस लिए लिए? अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप जैसे ही एडवांस लिए ना, अब आपको जीएसटी देना है उस पर। फिर सेम प्रॉब्लम, जीएसटी आप जमा कर दिए और इधर रिफंड हो गया, अब प्रॉब्लम आ गया ना। मैंने अब आपको समझाने वाला काम हो गया ना, किससे लिया, किसको दिया, कौन वापस किया, कब दिया, कब वापस। अब मैंने आया एक रुपया भी नहीं और आपका ऊपरी खर्चा, इसको समझाने में कितना समय लगेगा, कितना वाउचर आपको भरना होगा, कितना पेपर में साइन करना होगा, ये सब है, कैसे समझे? मैंने डेबिट क्रेडिट ठीक है मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है, ये सब भी आपको समझाएंगे, समझे ना? दो तरह का लेजर बनाया हुआ है, ठीक है ना? एक है कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और एक है क्रेडिट लेजर, माने आप डायरेक्ट पैसा जो डालते हो तो वो हुआ कैश लेजर, और इनपुट क्रेडिट वाला जो आता है वो है इनपुट, दैट इज क्रेडिट लेजर। पेनल्टी फाइन देना है कैश से पैसा जाएगा, अब बोले इनपुट में है उससे यूज हो, नहीं वो सब नहीं होगा, इनपुट का सिर्फ आउटपुट से ही सेट ऑफ होगा, और कैश वाला जो है पेनल्टी, इंटरेस्ट, टैक्स, फीस, फाइन सब ले लेगा। जैसे आप बोले लेट हो गया तो मेरा पैसा क्रेडिट, बोला नहीं उसके अलग से जमा करो, कैश लेजर से यूज करना होगा, ठीक है? आएगा वो सब भी है डिटेल्स। दिस इज रिफंड वाउचर।
एफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल अंडर सेक्शन 93 और 94, यह है रिवर्स चार्ज. क्या है रिवर्स चार्ज में क्या होता है? बायर जो है सामान भी खरीदेगा और जाके जीएसटी भी पे करेगा. कैसे समझे? सो इट मींस अ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल इफ परचेजिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड ही हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मेथड. लेकिन इसका नाम परचेजी होगा, ये कोई सेल नहीं है, ये कोई सेल नहीं है. रिवर्स चार्ज में जो पैसा देता है उसका फिर से क्रेडिट क्लेम करेगा. अगेन सो रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल अंडर सेक्शन 9394 ब्रैकेट एक्चुअली दैट इज रिवर्स चार्ज सेल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई फ्रॉम द सप्लायर Who is not registered on the date of receipt of goods or services or ओके. इन दिस वन मोर पॉइंट इज दैट इज जी और रजिस्टर्ड पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 93 और 94 सेल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. ये सब क्या है ना, इससे क्रॉस चेक हो जाएगा. आजकल क्या है, जितना से डील हो रहा है ना तो वो लोग का क्या बोलता है, पैन नंबर दो. अनरजिस्टर्ड है बोला कोई बात नहीं, पैन नंबर दो, आधार नंबर दो. मान लो किसी का टर्नओवर 80 लाख है लेकिन बोल रहा है मेरा तो 8 लाख है, मेरा रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है. लेकिन जितना सप्लाई किया है सिस्टम सबको पकड़ पकड़ के ले आया, बोला 8 लाख है इधर आओ, ये सब सप्लाई हुआ है, बोला हाँ हुआ है, टोटल कितना हो रहा है, डिफॉल्टर पूरा टैक्स पॉकेट से दो, इंटरेस्ट दो, पेनाल्टी दो और लेट फी भी दो, क्यों अप्लाई नहीं किया? कैसे समझे? तो ये क्या है, लास्ट में डिफॉल्टर लोग बहुत निकलेगा. कैसे समझे? आप पूरा जब नॉलेज हो जाएगा ना आपको, आपका फिर लास्ट में एक ही सजेशन रहेगा
कि बेटर है एक नंबर में काम करो, दो नंबर में माथा मत लगाओ। एक साल डेढ़ साल दो साल बाद नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आपको आंसर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग के इंडिया में बिजनेस का क्या सिस्टम है, काम हो गया कागज फाड़ के फेंक दो, खत्म कहानी, कुछ नहीं है। दिस इज द सिस्टम, इंडियन सिस्टम के, समझे? तो आधा आदमी फाड़ना बंद कर दिया है, आधा अभी भी बचा हुआ है, के समझे? तो बाद में क्या होता है कि आप अपना डिफेंड भी नहीं कर पाओगे ना, आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे। सेल किए आप पकड़ा गए, परचेस किए बोले तो फाड़ के फेंक दिए, तो पॉकेट से जीएसटी दे दो पेनल्टी फाइन के साथ में, के समझे? माने क्लियर? नेक्स्ट लिखिए नंबर फोर, सो वन वर्ड इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, और एक है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? आपको हर महीना सामान भेजता है, वो हर महीना आता रहता है, तो कंटिन्यूअस हो गया ना, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसी तरह से आपको हर महीना जैसे टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल आता रहता है, ये क्या हो गया? सर्विसेस। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेस, मतलब ये चलता रहता है, ठीक है? इसके अंदर में लिखिए In case of continuous supply of goods where successive statements or payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each such statement is issued so as the case may be, as the case maybe, or each such payment is received. And fifth, subject to provision of clause D of subsection
3 of section 31 in case of supply of, so clause D of subsection 3 of section 31, देखिए क्या लिखा है D में, receipt of advance payment, receipt of advance payment, इसमें लिखा है receipt of, D में लिखे ना हम लोग advance payment, supply of services, A, where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment. B, where the due date of payment is not ascertainable the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of services receives the payment. And C, where the payment is issued or linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event. So, subject to supply of services, where the due date of payment is ascertainable. पहले से मालूम है कौन सा due date है, ठीक है? So, पहले यह due date को issue हो जाना चाहिए, tax invoice. Due date ascertainable नहीं है, ठीक है? तो आप before तो कर ही सकते हो, या जिस date को payment हुआ, काम हुआ, वो वाला service payment, उस डेट को इशू करो. और जब लिंक्ड कर दिया है, लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो सेम चीज पहले हमेशा हो सकता है बिफोर, और इवेंट जैसे कंप्लीट हुआ इशू होना चाहिए. ये सब के अंदर भी क्या है, आप जो भी करो इवेंट कंप्लीट हो गया अभी भी इशू नहीं कर रहे हो, बोले जिस दिन पेमेंट करेगा उसी दिन तुरंत बिल बना के दे देंगे, तुरंत
और बिल बना के देंगे, और बिल बना दिए और पेमेंट नहीं दिया तो जीएसटी लग गया, वापस कब होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब में लॉ क्या है, 30 दिन के अंदर आपको बिल इशू करना होगा। मान लो केस कंप्लीट ऐसा हुआ, ये सब क्या होता है जब लीगल में आदमी प्रॉब्लम में फंसता है ना, उस समय बोला काम खत्म हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा है, बोला काम कब खत्म हुआ था, बिल इशू किया कब किया, 3 महीना बाद किया। तो डिफॉल्टर पहले तो केस तो पैसा पार्टी बाद में आएगा, पहले इधर का सल्टाओ, समझ गए, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। सिक्स्थ, इन अ केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज, माने खत्म हो गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम when the supply ceases and such invoice shall be issued to the event of the supply made before such cessation, मैंने आपका इवेंट समय के पहले ही कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो आप पहले इश्यू करो, या जिस समय खत्म हुआ, जिस जगह पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ समय के पहले, उस पहले समय को ही आपको इश्यू कर देना होगा। मैंने गवर्नमेंट क्या किया, अपना पोजीशन एकदम स्ट्रांग रखा है, मैंने आप डिफॉल्टर हो उससे मतलब नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम छोड़ दिया, काम खत्म हो गया, आपका काम हाथ से चला गया, बोला जिस दिन गया जितना काम हुआ उतना का ही बिल इशू करो, कैसे समझे। और आप बिल इशू कर दिया और पार्टी बाद में कुछ काट लिया, कम दिया, ज्यादा, ये सब होता है ना, ये सब रिस्क है सब। 7, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, माने सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर, ये 1 क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, 2 क्या है, सर्विसेज, 3 क्या है, सब्जेक्ट टू 1 एंड 2, सब्जेक्ट टू 1 एंड 2, 1 महीना जिस डेट को रजिस्ट्रेशन अप्लाई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बीच का बिल इशू करो, 200 से कम का है मत, ये सब है ना, 1-2 करके। तो 1 में सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स बींग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर, तो मेन वर्ड इज सेल और रिटर्न, सेल और बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस
द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. Whichever is earlier. और एक नोट में लिख लीजिए. टैक्स इनवॉइस इंक्लूड्स रिवाइज्ड इनवॉइस. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर ओमिशन है, फिर से रिवाइज कर दिया. ओके. सब में एक ही है. एसर्टेनेबल आपको बोला इस मंथ के एंड आपका ड्यू डेट है, एसर्टेन हुआ कि नहीं? लेकिन ओपन एंड है, कुछ नहीं है. बोला इस महीना भी हो सकता है, नेक्स्ट महीना भी, तो अनअसर्टेनेबल. तो फिर आपको वेट करना होगा लास्ट डेट तक का. सो एसर्टेन अनअसर्टेनेबल. ठीक है. तो फिर जिस डेट को पेमेंट रिसीव होगा, पहले आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन एसर्टेन है तो फिर लेट नहीं चलेगा. जैसे बोलते हैं ना, हर महीना का एंड टेलीफोन बिल हर महीना का एंड होता है. तो अब क्या है, ड्यू हो गया ना, आप पेमेंट करो या नहीं करो, सर्विस टैक्स पेमेंट हो गया. बोलते हैं ना, तो उसी तरह से आप जीएसटी पेमेंट हो गया. आप टेलीफोन बिल नहीं दिए 5 महीना से, तो सामने वाला का बिल भी पैसा नहीं मिला और उसको जीएसटी भी लग चुका है. कैसे समझे? अब एक ही उपाय है कि काट दो. ठीक है ना, स्टॉप कर देगा. तो मोबाइल वाला लोग तो इमीडिएट एक्शन ले लेता है. ठीक है, फोन उन करके वार्निंग दे के लास्ट में. बिजनेस है ना वो, प्राइवेट वाला बात हो गया. ठीक है. और लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मैंने काम होता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा. तो काम होता गया, पैसा मिलता गया वाला बात. ओके. दिस वॉज टैक्स इनवॉइस. ये वाला गुड्स सेल और रिटर्न बोलते ना. बोला अच्छा लगेगा तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना. सेल हुआ कहां, सप्लाई हुआ कहां? जब तक पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब तक तो सप्लाई नहीं हुआ. तो अब क्या होगा, लोग बोलेगा ये वाला फॉर्मूला अच्छा है, माल बेच दो और बोलो सेल और रिटर्न में है. बोला अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे. टान रहा है, 5 महीना बाद पेमेंट किया, बोला मिल गया ना, सेल हो गया. देखो नहीं, तो इसका है सिस्टम. इफ इट इज अंडर सेल और रिटर्न, मैक्सिमम यू कैन कैरी अप टू 6 मंथ. 6 महीना से ज्यादा नहीं चलेगा. क्या? नॉट मोर देन 6 मंथ. 6 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगा. पॉइंट क्लियर है? हाँ. हायर परचेज का मतलब हायर परचेज जो बाइक वाइक
वो तो सेल ऑन हायर एक्चुअल परचेज तो सेल है ना, हायर परचेज ही सेल, वो सेल और रिटर्न नहीं है, कैसे समझे? क्लियर? सो दिस वाज अंडर सेक्शन 31 लिंक टू इनवाइस। ठीक है, तो इसके अंदर में कितना पॉइंट्स है? 7। इसमें मेन मेन क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिर 200 रुपया वाला बिलिंग, वो काम का चीज है। ठीक है, इसके अंदर में दो वर्ड आया था, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सो दे कैन डायरेक्ट आस्क यू क्वेश्चन, क्वेश्चन मे बी ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ, राइट डाउन, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 232, अंडर सेक्शन 232। ठीक है, और एक है हम लोग का कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 233। इसको याद कैसे रखना है? दोनों सी सी से शुरू हो रहा है ना, कंटिन्यूअस सी से शुरू हुआ इसलिए गुड्स 232 में आ गया और ये 33 में आ गया। सी के जगह कुछ और रहता, पी रहता, तो ये सेक्शन बदल जाता। डेफिनेशन में अल्फाबेट ऑर्डर चलता है ना, याद रहेगा आप। तो 232, 233। नाउ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब हर महीना, जैसे आपको हर महीना मिल्कमैन बिल देते रहता है, सप्लाई देते रहता है। अब है मिल्क इज नॉट कवर्ड, पेपर देता है नॉट कवर्ड। अब इसके जगह पर आप ग्रोसरी शॉप आ जाओ, आपको हर महीना जो भी है हर महीना लाके देता रहता है, कंटिन्यूअस आ जाएगा वो, लेकिन वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। जैसे आप बोल दिए ये 2 पैकेट हर महीना का फर्स्ट वीक में तुमको देना है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप वाला को बोल दिए हर महीना वीट का 2 पैकेट, राइस का 2 पैकेट, ये 3 पैकेट हर महीना फर्स्ट वीक में आना चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई हो गया। ठीक है, सर्विसेज तो होते ही है, आज के लिए बेस्ट रहेगा जीएसटी रिटर्न, हर महीना जीएसटी रिटर्न करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए सीए फर्म से, कंटिन्यूअस हो गया ना, हर महीना रिटर्न करना, हर महीना बिलिंग करना, हर महीना रिटर्न करना, हर महीना बिलिंग करना, कंटिन्यूअस हो गया ना, माने अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि 2 महीना का है, 6 महीना का है, तो दोनों कंटिन्यूअस है या नहीं, 5 साल का है कि नहीं। इसके अंदर में सर्विसेज में बोला है इफ कंटिन्यूटी इज फॉर मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन माने 3 महीना से ज्यादा अगर कंटिन्यूटी है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स में पीरियड नहीं बोला है, गुड्स में पीरियड नहीं बोला है, पीरियड नहीं बोला है तो 2 महीना भी हो जाएगा, 6 महीना भी हो जाएगा। सर्विसेज में
तीन महीना क्लियर कट बोल दिया है, क्लियर। बट अब है लीगल लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द, एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे, तो ये तो लिख ही देंगे, ठीक है, चलो लिख लो। मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स which is provided or agreed to be means of supply of goods, supply of goods. agreed to be provided continuously, agreed to be provided continuously or on a recurrent basis under a contract, whether or not by means of wire, cable, pipeline or periodic basis and includes supply of such goods as the government may subject to such conditions as it may by notification specify. So continuously, recurrent basis, under a contract, cable, wire, pipeline, periodic basis, includes such goods, government notification, ठीक है ना। अब आपको हर महीना बोला गैस सिलेंडर, पॉसिबल। अब गैस सिलेंडर लाके दे दे, पाइपलाइन से दे दे, गैस पाइपलाइन, ठीक है। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और, तब गवर्नमेंट क्या है, बाय नोटिफिकेशन कभी कभी क्लियर करता है वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। Continuous supply of services means, same language है, means a supply of services which is provided
or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months. Already we have discussed services में 3 months का discuss किया हुआ है, ठीक है, goods में नहीं बोला है, खाली recurrent बोल दिया है, with periodic payments. Obligations and includes supply of such services as the government may specify. ठीक है, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ओके. तो टैक्स इनवॉइस वी हैव टू इश्यू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल्सो, टैक्स इनवॉइस वी हैव टू इश्यू फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, टैक्स इनवॉइस वी हैव टू इश्यू फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस वी हैव टू इश्यू फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज. टैक्स इनवॉइस का मतलब है उसमें जीएसटी रहेगा. मैंने इसमें यह नहीं बोल सकते हो ये तो चलता रहेगा 5 साल तक, एक बार में 5 साल के बाद बोला नहीं. आपका पीरियोडिक पेमेंट कब है, मंथली मंथली है तो आपको मंथली बिल इश्यू करना होगा, पीरियोडिक पेमेंट क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली इश्यू करो, लेकिन पेमेंट आप लेते रह रहे हो बाद में हिसाब 5 साल बाद वो नहीं चलेगा. जितना पेमेंट मिलता जा रहा है उसका आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट पेमेंट मिल गया पहले उसका दो, बिल ज़्यादा पेमेंट कम ज़्यादा वाला, पेमेंट ज़्यादा बिल कम ज़्यादा वाला, माने आपको जीएसटी पूरा पर लगेगा. क्लियर. और लास्ट में अगर कुछ है तो बोला रिवर्स करो, फिर बोलता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब कुछ है. डेबिट नोट अब क्या है ना, यह सब बोलने में आसान है लेकिन यह पूरा एंट्री करना होगा आपको, जैसे सेल परचेस का पूरा एंट्री होता है पूरा आपको एंट्री करना होगा, क्योंकि दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, एक पार्टी को करने से कुछ नहीं होगा, सब में दो पार्टी इन्वॉल्व है, वो एंट्री करेगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा, आप एंट्री करोगे तो उसका कुछ होगा, आउटवर्ड किए उसके लिए इनवर्ड है, ठीक है. चलो इसमें शॉर्ट में एक नया वर्ड है, सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स. जीएसटी में भी है सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स का मतलब है जैसे किसी को मन है हमको सर्विस टैक्स का प्रैक्टिस करना है, तो कुछ लोग तो डीम्ड है मान लिया गया है, जैसे सीए सीए सीएमए कॉस्ट अकाउंट ये लोग सब डीम्ड है, और भी किसी को करना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो लोग भी सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो सकता है. अगर सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो सकता है तो उन लोग के साथ क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होगा,
मतलब ब्रीफ में लिखिए। तो सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स का मतलब यहां पर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, माने जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। सो राइट डाउन सेक्शन 48 में दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड पूरे ही लिखिए प्रैक्टिशनर्स। इसमें मेन पॉइंट्स है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस रिमूवल एज मे बी स्पेसिफाइड एंड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज अंडर सेक्शन 37। अंडर सेक्शन फर्निश द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइज अंडर सेक्शन 38। फर्निश द डिटेल्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। डिटेल्स ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45। अंडर सेक्शन अब देखो, अब जैसे स्टार्टिंग में जब कर रहे थे हम लोग तो बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अब ये सब वर्ड से फैमिलियर हो गए हम लोग। सो सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, वो लोग को टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, कुछ ड्यूटी देगा ऑब्लिगेशन देगा, और अगर नहीं करेगा तो रिमूव भी कर देगा। ठीक है, अब क्या क्या मांग सकता है सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। अगर आप सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर हो तो एक होता है क्लाइंट से पूछेगा ना, एक है आपसे पूछेगा आप डिटेल दो। कौन देगा, मैंने क्लाइंट से नहीं पूछेगा, आप उसका काम कर रहे हो ना तो आप आंसर दो क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो। आउटवर्ड सप्लाइज, आप उसका पूरा डिटेल दो क्योंकि आप उसका काम किए ना, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप सब कुछ किए हो, आप आंसर दो। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइज, क्या क्या आया, डिटेल्स ऑफ रिटर्न, डिटेल्स ऑफ एनुअल रिटर्न, डिटेल्स ऑफ फाइनल रिटर्न। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग है, नोट में हाउएवर फाइनल लाइबिलिटी इज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। आप काम जरूर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटी पेमेंट भी आप ही करो, वो
रजिस्टर्ड पर्सन का काम है, जो रजिस्टर जो बिजनेस कर रहा है उसी का है। आप काम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स दो। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स अंडर सेक्शन 48 में है, आपको टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई होने से आपको दे देगा। CA CS CMA ये लोग को मान लिया गया है कि नॉलेज है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है ना। बाकी लोग को देगा और टर्म्स कंडीशन और ये सब मांग सकता है, आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, रिटर्न, एनुअल रिटर्न। ये क्या हो गया, GSTR 1, 2, 3, 9। अब देखो आप लोग नंबर भी बोलना शुरू कर दिए, कौन सा रिटर्न नंबर लगेगा। फाइनल रिटर्न का मतलब दुकान बंद हो रहा है, बिजनेस क्लोज्ड, सर्विस बंद, लास्ट अपना हिसाब किताब दो और जाके सो जाओ और बिजनेस नहीं करना है, या मैंने आप GST से बाहर हो गए, ठीक है। सेक्शन 48 में ऐसा दिया है, 2 में ऐसा दिया है। अब ये सब सेक्शन में पूरा डिटेल है, अब ये सब में हम क्या किए, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सब में कैसे क्या होता है, इसमें भी TRP होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बस अपडेट कर लेना है।